सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर वोटर टर्न आउट अपलोड करने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 5 फेज हो चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने याचिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट निर्देश दे कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। इससे पहले 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने NGO की मांग का विरोध किया था। दरअसल फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। आयोग ने कहा कि कई बार जीत हार का अंतर नजदीकी होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।